यार आपने सुना, पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया यार। ढूंढो ढूंढो, कैसे, क्या हुआ, क्या हमारे भी कदम चांद पे लगने वाले हैं, क्या अपना भी रोबोट चांद के ऊपर यूं घूमता हुआ जाएगा यार, कितना अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हाँ एक लूनर मिशन है तो सही, जा तो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको और डिटेल्स बताएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो करना, दिस इज नॉट योर स्कूल, दिस इज नॉट योर कॉलेज, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज बेसिकली फ्राइडे 3 मई को चाइना का एक स्पेस मिशन लॉन्च हुआ, जिसका नाम ये है। ये चेंज नहीं है, चंगे नहीं है, ए पॉइंट चंगा है, पंजाब द शेर, हाय 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 हाय, नहीं नहीं भाई, उन्होंने इसका नाम रखा है चंग अ। सो चंग अ चांद के परली साइड पे साउथ पोल पे बेलचे फावड़े के साथ उतरेगा, सीमेंट बजरी जमा करेगा, उसको जहाज पे ला देगा और जमीन की तरफ वापस भेज देगा। ऑफ कोर्स ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन असल में ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि चांद तक पहुंचना वैसे ही इतना मुश्किल मरहला है, और फिर चांद की परली साइड पे तो भाई सिग्नल भी नहीं आते, और फिर ऐसा होता है। ये इतना मुश्किल काम है कि स्पेस की तारीख में सिर्फ एक मुल्क है जो चांद की परली साइड पे उतरा है, और उसका नाम है इंडिया। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? इंडिया के मिशन का नाम चंद्रयान है, हमारे मिशन का नाम चंद्रयान। अब सवाल ये कि सब में पाकिस्तान कहां से आ गया, हमारा क्या रोल है? भाई बेसिकली चाइना के टोटल 7 चंग मिशन है, जिनमें से ये वाला छठा मिशन है। बेसिकली चाइना को सारी प्लानिंग करके पता लगा कि बॉस इसमें तो बहुत जगह बाकी है, तो बड़ाई कोच की तरह इन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दी कि वाह गाड़ी जा रहा है, किसी को सामान भिजवाना है तो ले आओ। तो इस तरह फ्रांस, इटली, स्वीडन ने कहा कि यार ये हमारा कुछ सामान ले जाओ और रबी को सलाम कह देना, और पाकिस्तान ने कहा अब सवाल ये कि पाकिस्तान के सामान में है क्या, वही सोहन हलवे के डब्बे होंगे और क्या है? नहीं, एक्चुअली दिस इज मच बेटर, हम यहाँ से कैमरास भेज रहे हैं कि बॉस जब आप खुदाई उदाई कर लो ना तो 2-4 फोटो ले लेना, हम यहाँ पे ना नया DHO बनाना चाहते हैं। सॉरी उन्होंने कहा बैरियर टाउन बनाना चाहते हैं। सो बेसिकली पहले ये बात तो क्लियर कर लें कि पाकिस्तान चांद पे लैंड नहीं हो रहा, हम सिर्फ दूर से तस्वीरें खींच रहे हैं और ऐसे हाथ हिला रहे होंगे। अब सवाल ये कि इन सब फोटोज से होगा क्या, अच्छी सी एल्बम में लगाएंगे और फिर कनाडा वाली ताई आएंगे ना, उन्हें दिखाएंगे, हाय अल्लाह कितनी खुश हो जाएंगी ना। तो भाई यहाँ इस वीडियो का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मेरा ओपिनियन। भाई गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स और हमेशा की तरह न्यूज आउटलेट्स की जाहिलाना रिपोर्टिंग से ये अंदाजा हो रहा है कि मिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना था कि चूंकि इंडिया ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं और हम इंडिया के बराबर हैं, जो कि हम नहीं है। अब इंडिया के बारे में एज ए कंट्री आप कुछ भी कहते रहे, साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग और स्पेस रेस के हवाले से पाकिस्तान से क्या, इंडिया दुनिया के कई ममालिक से बहुत आगे निकल चुका है, और यहां तक पहुंचने के लिए इंडिया ने पिछले 50-60 सालों में बेतहाशा मेहनत की है। हम ऑन द अदर हैंड, अच्छा फिर पाकिस्तान का जाहिल मीडिया आपको यह भी बता रहा है कि ये पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन है, तो यहाँ ये क्लियर करता हूँ कि ये पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन नहीं, हमारे अच्छे खासे स्पेस मिशन इससे पहले हो चुके हैं। तुम आओ तो सही, इनफैक्ट पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम एक्चुअली इंडिया से पुराना है, स्पेस एंड अपर एटमोस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपारको। जी हाँ, सुपारको है, स्पार्को नहीं है, बॉलों पे चढ़ने वाला टेप नहीं बनाते ये लोग। इसकी बुनियाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1961 में रखी थी। दिस इज द साइंटिफिक एज, यू कैन नॉट एस्केप इट, no one in the east can, no one in the west can, this is the scientific way। जबकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बुनियाद 1969 में, यानी 8 साल बाद रखी गई। पाकिस्तान की अच्छी खासी सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद हैं, इनके नाम भी मैं आपको बता दूं, बदर 1, पाकसैट 1E, बदर बी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन क्वाइट फ्रेंकली इन सैटेलाइट्स का हाल किसी सरकारी दफ्तर के जैसा है कि बस है, ये सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कुछ कर भी रही हैं या नहीं, ये किसी को भी नहीं मालूम। पिछले 30 सालों में सुपारको ने क्या किया है और इसरो ने क्या किया है, ये सबके सामने, और इसकी वजह ये है कि जितना टाइम, एफर्ट और एनर्जी इंडिया ने अपनी एजुकेशन और खासतौर से साइंटिफिक एजुकेशन पर सर्व किया है, उसकी वजह से इंडिया चांद पे है। हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO इंडियन है, हर बड़े थिंक टैंक में इंडियंस मौजूद है, और इंडिया का हर तरफ चर्चा है, इस कदर है कि पाकिस्तान अब उनकी इक्वेशन में कहीं आता भी नहीं, और हम अभी तक इंडिया से मुकाबला करने में लगे हैं, अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे। पाकिस्तान अपना सारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल एक्सपोर्ट करने वाला वाहिद पागल मुल्क है, जिसके असरात हम लोग साल साल से भुगतते चले जा रहे हैं, एंड इट्स गेटिंग वर्स। और अगर हम वाकई इस बारे में सीरियस हैं
तो हमें एज अ स्टेट पॉलिसी बहुत सीरियस तरीके से, बहुत सोच समझ के अपनी एजुकेशन और खास तौर से साइंटिफिक एजुकेशन पे फोकस करना होगा और इसे फिक्स करना होगा ताकि हम किसी इज्जतदार मकाम तक पहुंच सके। इन एनी केस पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है, एंड कंग्रेचुलेशंस टू इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाया, एंड होपफुली जून तक हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही होंगी, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आ रही होंगी, दुल्हन ये शर्मा रही होगी, दुल्हन मुस्कुरा रही होगी। तो इस दुआ के साथ कि या अल्लाह इस मिशन की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी तरीके से बेहतरी की तरफ जाए। खुदा हाफिज़।